Hello, welcome back to my channel, Piyush Rana. On our counseling is here in the best way. We are doing with HSC, that is 12th standard, SYGSE of Maharashtra board. And the topic is business of exchange. Normal YouTubers ki tarah, ab main bhi ek cheez kahunga, ki ye sum, aap end tak achche se dekhna, kyunki isme variety hai. First pattern ki variety mein last sum, lekin it's very 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 important. So if you are not alert enough, और मैंने पूरी तरह से अलग किया होगा मेजॉरिटी चीज पर ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं या तो अब मैं नॉर्मल यूट्यूबर बन गया हूं बिफोर दैट लेट अस रीड द क्वेश्चन या संजय सोल्ड बुक्स ऑफ ₹45,000 टू हुम टू गोविंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट यू हैव लर्न ट्रेड डिस्काउंट बराबर यू हैव लर्न कैश डिस्काउंट बराबर इस सब में दोनों आया है ठीक है अब ट्रेड डिस्काउंट तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता दिस थिंग मे बी आस्क इन योर ऑब्जेक्टिव्स डैश डिस्काउंट इज नेवर शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच ट्रेड डिस्काउंट ओके डैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कैश डिस्काउंट ओके डैश डिस्काउंट इज द लॉस फॉर द सेलर व्हिच कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपका लॉस नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप देते हो बराबर कोई भी बिजनेसमैन लॉस झेल के तो माल बेचेगा नहीं बराबर आप लोग देखते ना यहाँ वहां कि स्टोर पे लिखा हुआ 20% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय द सेलर इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट ओके इट इज फॉर एवरी वन बट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ कैश पेमेंट हेंस इट बिकम्स योर लॉस इफ यू अलाउ इट ठीक है देखो अभी क्या बोल रहे हैं गोविंद पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1000 And for the balance, he accepted a bill for 3 months. पहले मैं ये चीज समझा दू इसकी दो एंट्री समझा दू क्योंकि यहाँ की एंट्री और अपनी एंट्री दोनों भी अलग अलग है See, how much you have sold? 45,000. बराबर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 10% 45,000 का 10% 4,500 अगर माइनस कर दिया कितना बचा 40,500 कोविड पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट बराबर तो 40,500 का 1/3 कितना आता है 13,500 और ये पे कर रहा है इसके लिए हमने उसको ये डिस्काउंट अलग किया कितना 1,000 राइट सो ही इज पेइंग अस हाउ मच 13,500 सो बैलेंस 40,500 में से 13,500 का हिसाब हो गया बैलेंस कितना बचा 27,000 इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बिल ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा और हमें रिटर्न करेगा सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टू एंट्रीज ये हम लोग टप्पे टप्पे से पढ़ेंगे और टप्पे टप्पे से समझेंगे क्योंकि सम अलग है सो व्हाट आई डिड इज गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,500 का माल बेच दिया एक साथ बेच दिया कैश अकाउंट डेबिट 12,500 जो मिला डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 जो हमारा लॉस है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 27,000 जो उसने दिया ओवरऑल गोविंद ने हमें कितने का हिसाब दे दिया 40,500 इफ यू सीन द टेक्सटबुक द एंट्रीज आर डिफरेंट एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट Follow that. I have no issues. If you are comfortable with this, follow this. You will not get anything wrong. Clear? Everything will be correct. Either by the textbook or by my method, you can follow any. जो समझ में आए आदेश अकाउंट डेबिट ट्रेडिशन फाइल अब ये क्या है चलो ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना पहले फिर क्या होगा संजय एंडोर्स द बिल टू आदेश ऑन द सेम डे अब हमारे पास बिल कितने का आया 27,000 का लेकिन हमने उसको क्या किया एंडोर्स किया किसको आदेश को पर लेकिन क्या है इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट ऑफ 27,500 बराबर बिल के आदेश को कितना देना बाकी था 27,500 लेकिन हमने उसको बिल कितने का दिया 27 का तो आदेश अकाउंट डेबिट 27,500 टू बिल्स रिसीवेबल 27 यानी हमें डिस्काउंट कितना मिला 500 तो अपना इनकम है टू डिस्काउंट 500 ठीक है आगे क्या हुआ देखते हैं लेट अस सी ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय गोविंद अब गोविंद जाके किसको पे करने वाला था आदेश क्या उसने पे किया नहीं आदेश किसको पकड़ेगा हमें हम किसको पकड़ेंगे गोविंद यानी गोविंद के पास से पैसा लेना है और आदेश को देना है लेकिन कितना अब आदेश ने पहले ₹500 डिस्काउंट दिया था ना क्या हमने बिल पे किया उसका नहीं यानी वो 500 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया नॉट पॉसिबल बराबर तो आदेश जो हम लोग को ये 27,500 के सामने 27 का बिल लिया था अब वो हमें वो डिस्काउंट देने वाला नहीं है तो वापस वो डिस्काउंट जो हमने ऊपर किया था क्रेडिट हमने उसको कर दिया डेबिट लेकिन आदेश में नोटिंग चार्जेस पे किया है कितना 450
तो वो हम लोग किसके पास वसूल करेंगे, गोविंद के पास से। सो गोविंद अकाउंट डेबिट 27,450। देखो पहले से 27 था, लेकिन नोटिंग चार्जेस हम लोग उसके पास से वसूल करने वाले हैं। टू दिस डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 व्हिच वी हैव क्रेडिटेड प्रीवियसली, अब आदेश विल नॉट गिव अस दिस डिस्काउंट बिकॉज वी हैव मेड डिले इन द पेमेंट, राइट। टू आदेश अकाउंट 27,900, आदेश को इतना देना बाकी होगा हमारी तरफ से, लेकिन गोविंद को छोड़ देंगे क्या? नहीं, उसके बाद से पैसा लेंगे, क्या बोला इंग्लिश में। गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल। संजय एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट गोविंद शुड पे 5250 इमीडिएटली अलोंग विद नोटिंग चार्जेस। कितना देना अभी उन्होंने? 5250 अलोंग विद नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कितना था? 450। तो 5250 प्लस 450 इट बिकम्स 5700। सो कैश ऑन डेबिट टू गोविंद 5700 5700, बराबर। अब 27,450 में से उसने 5700 दे दिया, तो बचा कितना? 22,250। लेकिन क्या बोल रहे हैं? गोविंद शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 1,500। तो नेट बैलेंस रिसीवेबल फ्रॉम गोविंद वाज 22,215, बट वी आर चार्जिंग यू इंटरेस्ट ऑफ 1,500। यानी नया बिल कितने का बनेगा? 23,750 होगा। 750 है ना, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लिखने में। अच्छा 23,250 वो कुछ अलग था, बराबर 22,250। I have made some mistake. Just a minute. I'll pause the video. कैंसिल कर दिया तो तुरंत मिल गया। It was not 22,250, it is 21,750. बस उतना ही था, मतलब कभी कभी ओवरलोड हो जाता दिमाग, तो कैंसिल मैंने कर दिया। क्या किया? 27,450 माइनस 5700, नथिंग मच। ओके, सो 21,750 था ये, बराबर। 23,250 का नया बिल बना, 2 इंटरेस्ट 1,500। अब ये भी बिल डिसऑनर हुआ, लेकिन दे हैव सेड कि आदेश को हम लोगों ने पैसा दे दिया। देखो व्हाट दे सेड, दिस अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू, संजय पेड आदेश द बैलेंस ड्यू टू हिम। आदेश को कितना देना है? 27,950, तो उतना हम लोग उसके मुंह पे मार देंगे, भाई ये पैसा। आदेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 27,950। और ये भी बिल क्या था? फ्लॉप। देखो बोला है उन्होंने, क्या बोला है? ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल गोविंद डिसऑनर्ड द बिल, तो इसको भी पैकअप कर दिया है। Give journal entries in the books of Sanjay and prepare Sanjay's account in the books of Govind. बराबर। अब Sanjay drawer है तो Govind कौन बनेगा? Robbie, जो Sanjay के लिए sales था वो Govind के लिए purchase, बराबर। So by purchase कितना है? 40,500। अब 40,500 के सामने हम लोगों ने cash कितना दिया? 12,500। Discount कितना मिला? 1,000। और bills कितने का है? 27,000, बराबर। आप लोग textbook में देखोगे तो उन्होंने सिर्फ 27,000 से ही लिया हुआ है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कुछ एडिशनल, कुछ अलग, कि ऐसे भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन ले लिया। टू कैश 1,500, टू डिस्काउंट 1,000, टू बिल्स पेएबल 27,000। ये बिल ऑनर हुआ है डिसऑनर? डिसऑनर, तो बाय बिल्स पेएबल 27,000। इसके सामने हम लोग नोटिंग चार्जेस भी दे रहे हैं, कितना? 450 दे रहे हैं, तो इनकम ही एक्सपेंस। नोटिंग चार्जेस में डेबिट, तो संजय ने क्रेडिट, बाय नोटिंग चार्जेस 450। We have paid how much cash? 5700, उतना कैश गया, बराबर। तो संजय विल बी द रिसीवर और गिवर? रिसीवर, तो टू कैश 5700। नया बिल कितने का बना था? 23,250, वेरी गुड, जिसमें इंटरेस्ट कितना था? 1,500, है ना। तो बिल सेवल 23,250 बाय इंटरेस्ट 1,500, इस इंटरेस्ट को अलग निकालना जरूरी है। पर ये बिल ऑनर हुआ है डिसऑनर? डिसऑनर, यानी जिस बिल्स पेबल को पहले किया था डेबिट, अब उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। बाय बिल्स पेबल 23,250, इफ यू टोटल दिस कम्स टू 92,700, माइनस ये सब करोगे तो 23,250। अभी यहाँ पे परचेस का ट्रांजेक्शन था, फिर भी बैलेंसिंग फिगर मिला, क्यों? क्योंकि डिसऑनर हुआ। अगर ये चीज ऑनर होती तो टैली हो जाता, राइट, देयर वुड बी नो बैलेंसिंग फिगर इन दिस अकाउंट। आई होप द सम इज क्लियर। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट टेक्स्ट बुक का अगर मेरा अलग ये देख के शायद कंफ्यूजन बढ़ जाए, वीडियो को 2-3 बार देखना, अगर कंफ्यूजन है तो
इजीली आप लोग एक ही रास्ते पे आ जाओगे, फाइनली आपके वैलेंस इंटीग्रल हर जगह सेम है, राइट? सो आई होप यू विल प्रैक्टिस इट वेल, और थोड़ा सा अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कुछ कमेंट मारो, समथिंग समथिंग, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे जो बोलता हूँ मैं वो आप लोग भी किया करो। बाय, टेक केयर।